i welcome you all grade 4 students in the explanation video of chapter number 3 a trip to bhopal so in the previous video we have covered up to page number 24 in this video we will start from page number 25 so Uh, इधर यहाँ पे जो सर है वो क्या बोल रहे हैं कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट इट्स ऑलरेडी नाइन ओ क्लॉक तो हमें क्या पता चलता है कि वो लोग निकले तभी कितने बजे थे नाइन नाइन ओ क्लॉक हुए थे द जर्नी बिगिंस एज द पर्स स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन सिंग्स एट द टॉप ऑफ दअ वॉइस तो जैसे ही बस चालू हो गई तो जो बच्चे थे वो जोर जोर से गाना गाने लगे सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स कोई कोई बच्चे बाहर देखने लगे क्या देखने लगे एकदम ब्यूटीफुल सी ग्रीन फील्ड्स मींस खेत और जो हील्स मींस बड़े बड़े माउंटेन्स होते वो सब देखने लगे उसमें जो इंदिरा करके जो था उसने क्या पूछा व्हेन विल वी रीच भोपाल तो इंदिरा ने क्या पूछा कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे तो मिस आशा ने बोला इफ़ वी डोंट स्टॉप एनी वी शुड रीच देर इन टू आवर्स दैट इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक तो मिस आशा ने क्या बोला अगर हम कहीं पे भी रुकते नहीं हैं तो हम दो घंटे में पहुंच जाएंगे तो दैट इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक तो अराउंड कितने बजे पहुंचेंगे? तो so, वो लोग वहाँ से निकले तब कितने बजे थे नाइन ओ क्लॉक ओके अगर दो घंटे के बाद वो लोग पहुंचते हैं तो कितने बजे होंगे नाइन प्लस टू इजिकल्स टू इलेवन तो अराउंड वो इलेवन ओ क्लाक पहुँचेंगे तो उसमें मंजिद जो है वो क्या पूछता है इज़ इट वेरी फार जो मंजिद है वो क्या पूछता है कि वो बहुत दूर है क्या जगह बहुत दूर है तो मिस्टर भीमसेन बोलते हैं इट इज़ अबाउट सेवेंटी किलोमीटर जो दो घंटा कवर करने के लिए डिस्टेंस कितना डिस्टेंस वो लोग कवर कर रहे हैं टू आवर्स में सेवेंटी किलोमीटर और जो रूबी है वो क्या पूछ रही है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनी तो रूबी पूछ रही है कि हम कहीं रुकने वाले हैं तो मिस्टर राकेश बोलते हैं मे बी एट भीम का अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम हियर तो मिस्टर राकेश क्या बोलते हैं कि शायद हम भीम भेंट का रुकेंगे जो यहाँ से फिफ्टी किलोमीटर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेवेंटी किलोमीटर को कवर करने के लिए टू आवर्स लग रहे हैं और वो लोग अराउंड एलेवन ओ क्लाक पहुँचने वाले थे अगर कहीं रुकते नहीं तो पर यहाँ पे पूछा है इफ़ दे गो टू भीम का दे विल रीच देर अगर वो भीम का जाते हैं तो वो कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे तो नॉर्मली वो भोपाल दो घंटे में पहुँचने वाले थे कितने बजे इलेवन ओ के आसपास। तो हम क्या बोलेंगे कि वो भीम का जो है वो इलेवन ओ से पहले पहुँचेंगे है ना तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बोला है बिफोर टेन ओ क्लॉक बिटवीन टेन ओ क्लॉक एंड एलेवन ओ क्लॉक या आफ्टर इलेवन ओ क्लॉक तो हम क्या आंसर दे सकते हैं कि वो दस से ग्यारह बजे के बीच में पहुंचेगे क्योंकि सेवेंटी किलोमीटर कवर करने के लिए उन्हें इलेवन ओ लग जाएंगे तो फिफ्टी किलोमीटर तो इलेवन ओ से पहले ही कवर कर देंगे ठीक है लुक एट द नर्मदा एवरी वन लुक्स आउट ऑफ द विंडो तो जो बहादुर करके था उन्होंने चिल्लाया कि देखो नर्मदा और सब चिल्ला देखने लगे विंडो के बाहर तो रूबी ने क्या बोला वा इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड तो कि ये तो कितनी लंबी लंबी है और कितनी चौड़ी है है ना चौड़ी जो बोलते हैं ना पौड़ाई गुजराती में बोलते हैं पौड़ी है ऐसे ठीक है लेट हाउ वाइड इट इज ठीक है तो हम कैस करेंगे कि कितना वाइड है वो तो सो आउट पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक गोपी हम्म हंड्रेड मीटर्स नो, इट इज मच मोर कांड से। से गोपी क्या बोलती है कि शायद हंड्रेड मीटर पर मैं बोल नहीं सकती तो विक्टोरिया क्या बोलती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर तो विक्टोरिया क्या बोलती है कि शायद ये है ना हाफ किलोमीटर से भी ज्यादा है उनमे क्या बोलते हैं लुक इट इज रिटर्न दिस ब्रिज इज सेवन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एटी टू मीटर्स लॉन्ग जो ब्रिज है ना वो कितना लंबा है सेवन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एटी टू मीटर्स लंबा है, है ना? So नर्मदा मस्ट बी अबाउट फाइव हंड्रेड मीटर्स प्लेस तो जो ब्रिज है वो कितना है पूरा ब्रिज मिला के सेवन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट टू मीटर्स है तो नर्मदा जो है वो फाइव हंड्रेड के आसपास तो होगी क्योंकि रिवर से थोड़ा बड़ा होता है ना ब्रिज तो हम बोल सकते फाइव हंड्रेड मीटर्स के, के आस है तो यहाँ पे पूछा है वॉस विक्टोरिया राइड तो देखो विक्टोरिया ने क्या आंसर किया हाफ अ किलोमीटर अब हाफ अ किलोमीटर क्या होता है वन किलोमीटर का हाफ वो कितना होता है फाइव हंड्रेड मीटर तो यस विक्टोरिया राइट है ओके फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक वे विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू